मध्य प्रदेश बीजेपी में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। बवाल इसलिए भी, एक तो प्रदेश में जो हालात हैं बीजेपी के लिए वो ठीक नहीं है। कुछ जो सर्वे आ रहे हैं और सर्वे उन मीडिया एजेंसियों के जिनके बारे में कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में वो लोग रहते हैं और पाठशालाएँ वगैरह करते हैं, तो उन एजेंसियों के भी सर्वे हैं और जो पूरा मिजाज है ओवरऑल जो पूरा दिख रहा है दूर से ही, इस बार कांग्रेस की बहुत चांसेस हैं सरकार में आने के। पिछली बार अगर आप रिकॉर्ड को देखें उसमें से कांग्रेस ने 114 जीती थी, बीजेपी 109, निर्दलीय 4, बसपा 2, सपा 1। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, इसके बाद जो अभी वर्तमान में जो पूरा विधानसभा है वहाँ पर जो कांग्रेस 114 पर सीधे 98 सीटों पर आ चुकी है और बीजेपी की जहाँ पर 2018 में 109 सीटों पर उसने जीत दर्ज की थी, अभी वर्तमान में 128 सीटों पर उनका कब्जा है। निर्दलीय 4 जो जीते थे उसमें से 3 अभी बचे हैं, 1 शायद बीजेपी में चले गए हैं। बसपा भी जो पिछली बार 2 सीटों पर उसने जीत दर्ज की थी, अभी उसके पास मात्र 1 सीट है, 1 सीट पर ये बीजेपी में चले गए थे। सपा ने 1 जीती थी, अभी 0 है, ये भी बीजेपी कांग्रेस में किसी में चले गए हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए तो इस वक्त बीजेपी पूरी तरह से मध्य प्रदेश में घिरी हुई है और घिरने का उसका कारण ये है कि बहुत सारे जो अभी 2 लिस्ट उनकी आई है और पिछली बार साल 2018 में जो चुनाव हुए थे उनकी जो पहली लिस्ट जारी हुई थी वो नवंबर के महीने में जारी हुई थी, मतलब 2 या 3 नवंबर को लिस्ट आई थी। इस बार बीजेपी ने उन तमाम सीटों पर जिस पर उसको पिछली बार 2018 में जीत नहीं मिली थी, उन सीटों पर अपने तगड़े उम्मीदवार उन्होंने उतार दिए हैं, अपने केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है, सांसदों को उतार दिया है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर अंदर खाने उनका विरोध चल रहा है। जो कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो 2 बार से 3 बार से लगातार जीत रहे हैं, इसके बावजूद बगावत का झंडा बुलंद किए हुए हैं और जिनको टिकट मिला है, जिन सांसद महोदय को, उनके बारे में तरह तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या ये बीजेपी में हो रहा है, कांग्रेस में नहीं हुआ? कांग्रेस की तो अभी तक कोई लिस्ट भी नहीं आई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस पार्टी में किस तरह का भी माहौल है, क्योंकि बीजेपी का लिस्ट आया है तो जाहिर सी बात है जिनको टिकट नहीं मिला है वो लोग बागी हो रहे हैं। कांग्रेस का भी जो लिस्ट आएगा तो क्या इसी तरह की सिचुएशन बनेगी? क्या इसी तरह का जो माहौल बीजेपी के अंदर खाने चल रहा है, कांग्रेस के लोग भी खड़े होंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगा? इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बीजेपी ने अभी तक कितने सीटों पर जो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। अभी तक बीजेपी ने 79 सीटों पर, 79 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इसमें से 76 सीटें ऐसी थीं जिसको पिछली बार साल 2018 में बीजेपी जिस पर हार चुकी थी। 3 सीटें ही ऐसी हैं जहां पर बीजेपी जीती थी। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए सीधी का। सीधी में जो विधायक हैं वो पिछले 3 बार से लगातार जीत रहे हैं, उनका नाम केदारनाथ शुक्ला है। और जो बीजेपी का जो अभी मीटिंग हुई है, जिस जो मोटा मोटा जो खबर आ रहा है, तो उसमें ये बताई जा रही है किस तरह से 40% जो बीजेपी विधायक हैं उनके टिकट काटे जाएंगे। और बीजेपी अपने तरीके से उस पर सर्वे भी करवा रही है, उस पर जो विधायक की जो इमेज है, जातिगत समीकरण क्या बन रहा है, संगठन का जो फीडबैक है जिले वाइज, उन सब को देखा जाएगा और इसके बाद टिकट का अनाउंसमेंट होगा। 230 विधानसभा की सीटों पर अभी तक 79 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। कांग्रेस को लेकर क्या है कि कांग्रेस ने क्या किया था कि कर्नाटक में जिस तरह से काफ़ी महीने पहले ही उन तमाम सीटों पर जहां उसकी स्थिति कमज़ोर थी, उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था, जिसमें बगावत की संभावना अगर थी भी तो बाद में मैनेज हो गया था और जिस तरह माहौल भी बन गया था कर्नाटक में कांग्रेस के फेवर में, हिमाचल में भी कांग्रेस ने इसी तरह का काम किया था कि समय से पहले ही उन तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था, जिसका उसे फ़ायदा मिला। और कुछ इसी तरह की स्ट्रेटजी पर वे मध्य प्रदेश में भी काम करना चाह रहे थे, छत्तीसगढ़ में भी काम करना चाह रहे थे और राजस्थान में भी। लेकिन सबसे ज़्यादा उनका पूरा ध्यान था कांग्रेस का कि मध्य प्रदेश में,
क्योंकि पिछली बार जिस तरह से 2018 में उसको 114 सीटों पर जीत मिली, बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया 15 महीने बाद बागी हुए, अपने साथ कई विधायकों को लेकर चले गए, तो काफ़ी उम्मीदें लग रही थी कांग्रेस को। वहाँ लोकसभा की भी काफ़ी सीटें हैं, 29 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट कांग्रेस के पास है, छिंदवाड़ा, जिसपे जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लड़के नकुल नाथ हैं, वहाँ पर सांसद हैं, एक सीट उसको मिली है। तो इस लिहाज से भी कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश थोड़ा अहम था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने जो स्ट्रेटजी थी, बीजेपी ने कहीं ना कहीं उसको फेल कर दिया। बीजेपी ने सबसे पहले उन तमाम सीटों को पर चिन्हित किया और सबसे पहले उस पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। अभी तक 79 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है 230 में से। आने वाला जो अभी फीडबैक आ रहा है, तो हो सकता है कि 2-4 दिनों में ही बाकी उन तमाम सीटों पर जो फीडबैक आया हुआ है, जो सर्वे से जो रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है, और इसमें सीटों पे उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन 40% एमएलए जो हैं, जो विधायक हैं वर्तमान में, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस वक्त बीजेपी की जो स्थिति है, 128 विधायक हैं मध्य प्रदेश में, इसमें से 40% टिकट काटे जाएंगे, जो मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, जो जानकार बता रहे हैं। कांग्रेस को लेकर अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में जो मंगलवार को मीटिंग हुई है प्रदेश कार्य समिति की, तो उसमें भी ये बताया जा रहा था कि किस तरह 30% जो विधायक हैं, अगर देखा जाए तो इस समय 98 विधायक हैं, 30% उनके टिकट काटे जाएंगे। तो अभी जो बीजेपी में जो विरोध चल रहा है, जो जिन सांसदों को उतार दिया गया है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, जिन मंत्रियों को उतारा गया है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा कांग्रेस भी इसको देख रही है। और जो कांग्रेस की जो मीटिंग हुई है उसमें भी ये बात आ रही है, उसके भी जो बड़े लीडरशिप है प्रदेश का, उसमें दिग्विजय सिंह और एक विवेक तनखा को छोड़कर, जो राज्यसभा सांसद हैं, इन दोनों लोगों को छोड़कर जितने बड़े दिग्गज हैं सभी मैदान में उतरेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने भी वही स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसकी पूरी रणनीति ही फेल हो गई थी। उसको लग रहा था सबसे पहले सीटों पर, उन तमाम सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगे तो इसके बाद उनका काम आसान हो जाएगा, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर बाजी मारी। बीजेपी ने सबसे पहले उन तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस वक्त बीजेपी को जो सबसे बड़ी जो परेशानी जो आ रही है वो है उनके नेताओं की बगावत। और अगर परिणाम जिस तरह पूरा प्रदेश का जो पूरा माहौल भी बन रहा है, अगर आप उसको देखें तो मुझे लगता है शायद बीजेपी में ये अभी जो, क्योंकि अभी तो 79 सीटों पर ही नामों का ऐलान हुआ है, जैसे जैसे और भी नाम आएंगे, लिस्ट आएगी, तो हो सकता है ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे कर्नाटक में हुआ, बीजेपी के बहुत सारे लोग जो बागी हो गए, हिमाचल प्रदेश में हुआ, तो जो बागी हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन लोगों से बातचीत कर रहे थे, भैया मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप जो है चुनाव मत लड़िए। तो ये सब सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं। तो जिन सीटों पर अभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ है, उसमें से एक सीट है सीधी, जहाँ पर पिछले 3 बार से केदारनाथ शुक्ला विधायक थे। पिछली बार लगभग 20,000 वोटों से वो जीते थे। इस बार सीधी का विधानसभा टिकट जो है दे दिया गया है वहाँ की जो सांसद है रीति पाठक को। रीति पाठक के बारे में जब केदारनाथ शुक्ला का टिकट कट गया तो मीडिया ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, अरे वो कौन सी सांसद हैं भाई, 100 रुपये तो किसी कार्यकर्ता के ऊपर खर्च नहीं करती हैं वो, हैं मोदी लहर में सांसद बन गई हैं। तो इस तरह की बातें वहाँ पर चल रही हैं। केदारनाथ शुक्ला कह रहे हैं हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, फिर बोलते हैं अपने लोगों से बातचीत करेंगे, वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि कोई अभी इस्तीफा वगैरह मत दीजिए, क्योंकि हो सकता है शायद जो हाईकमान थोड़ा देख ले उनकी, क्योंकि 3 बार से विधायक हैं, पिछली बार 20,000 वोटों से जीते थे। अभी हाल ही में उन्होंने 2 तारीख को एक मीटिंग की, 2 तारीख को हाँ अपने लोगों को बुलाया, लगभग 1,000 लोगों की लगभग भीड़ थी वहाँ पर। और इस मीटिंग में उन्होंने एक और नया आरोप लगा दिया है रीति पाठक के ऊपर।
तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया है, अरे वो कौन सी नेता हैं भाई, वो तो आंगनबाड़ी का फॉर्म भरने आई थी तो लोगों ने उनको जिला पंचायत बना दिया, इसके बाद वो सांसद बन गई। इस तरह की चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। और इससे पहले जब सीधी का टिकट का अनाउंसमेंट हुआ तो वहाँ के जो डॉक्टर राजेश मिश्रा हैं वो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं और जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी के सीधी से। वो तो सबसे पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। केदारनाथ शुक्ला तो नाराज हैं, पता नहीं चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये है कि अभी तो पूरा माहौल यही बना है कि शायद वो चुनाव लड़ जाएंगे। वो देखेंगे कि क्या कंडीशन बन रही है प्रदेश की, उसी हिसाब से वो अपना फैसला करेंगे। तो रीति पाठक के बाद, मतलब केदारनाथ शुक्ला के बाद, एक और सीट है शिवपुर विधानसभा, जहाँ से पूर्व जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। और जो जिलाध्यक्ष हैं वो हैं राधेश्याम रावत। असल में यहाँ पर जो बीजेपी ने टिकट दिया है दुर्गा लाल विजय को, जो कि पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, उनको टिकट दे दिया है। तो उन्होंने जब मीडिया वालों ने इस्तीफे के बाबत जब राधेश्याम रावत से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाजपा एक ही व्यक्ति को पिछले 30 साल से टिकट देकर दूसरे समाज की अनदेखी कर रही है। तो भैया ये तो आरोप लगाए हैं राधेश्याम रावत। और सबसे मज़ेदार तो मैहर विधानसभा है, यहाँ से विधायक है नारायण त्रिपाठी। नारायण त्रिपाठी जी का अपना जलवा है भाई, मैहर एक धार्मिक स्थल भी है और धार्मिक स्थल होने के साथ में वहाँ की जो पूरी जो राजनीति है अगर आप देखें तो उसी मंदिर के इर्द गिर्द ही नज़र आती है। पिछली बार बीजेपी ने पूरा, क्योंकि वो बिंद क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो बीजेपी ने पिछली बार बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर किया था और उसको अच्छी खासी सीटें यहाँ पर मिली थी। लेकिन इस बार यहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो रहा है। पिछली बार साल 2018 में पूरा जो बिंद क्षेत्र है यहाँ से 30 सीटों में से 24 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। मतलब आप सोचिए कि अगर देखा जाए तो ये रेशियो जो है मतलब काफ़ी अच्छा है। सबसे बुरा जो है पिछली बार रहा था तो वो चंबल ग्वालियर बेल्ट रहा था बीजेपी के लिए, और इस बार ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है शायद बहुत बुरा होने वाला है वहाँ पर। अब नारायण त्रिपाठी को समस्या क्या है ये समझ लीजिए। जब उनसे इस बाबत पूछा गया कि भैया आपका टिकट कट गया है विधायक जी, अब आप क्या करेंगे, और इस तो उन्होंने कहा कि भैया कि इतने सीनियर नेताओं को, असल में बीजेपी के ऊपर उन्होंने तंज कसा है, उन्होंने कहा कि इतने सीनियर नेताओं और मंत्रियों को विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है तो मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी का क्या गुनाह था। वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं भैया कि काहें मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी का गुनाह क्या था, उनको भी क्यों नहीं मैदान में उतारा जाता, उन्हें भी मौका देना चाहिए था। मैं बिंध प्रदेश के पुनर्निर्माण की लड़ाई लड़ रहा हूँ, टिकट से मेरे फैसले में फ़र्क नहीं आएगा। बीजेपी में सांसद विधायक और विधायक सरपंची का चुनाव लड़ने वाले हैं। आप सुनिए क्या कह रहे हैं, बीजेपी में सांसद विधायक का और विधायक सरपंची का चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे चुनाव जरूर लड़ेंगे। असल में क्या हुआ है कि पहले नारायण त्रिपाठी के बारे में जान लीजिए वो कौन है। साल 2013 में नारायण त्रिपाठी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, जीते। फिर इधर नरेंद्र मोदी 2014 में दिल्ली में आ गए, पूरा माहौल एकदम पूरा बीजेपी में हो गया, पूरे देश का ही माहौल हो गया। साल 2016 आते आते वे कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं, बीजेपी अपना उनको उम्मीदवार बना देती है, फिर वो जीत जाते हैं। ये साल 2016 की बात है। फिर बीजेपी में तो विधायक हो गए थे, इसके बाद 2018 का टिकट वो बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर लड़ते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन प्रदेश में सरकार बन जाती है कांग्रेस की। अब बेचारे परेशान, अब करें भी तो क्या। इसके बाद कमलनाथ जब मुख्यमंत्री होते हैं तो किसी बिल को लेकर क्रॉस वोटिंग कर देते हैं ये, और क्रॉस वोटिंग करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बगल में मुख्यमंत्री कमलनाथ बैठे होते हैं और इसके साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भला बुरा कहते हैं, पूरा बीजेपी की बुराई करते हैं कि प्रदेश में चल क्या रहा है। लेकिन दो दिन बाद फिर पता नहीं कैसे वो मान जाते हैं। फिर इसके बाद 15 महीने बाद कमलनाथ, 15 महीने तक कमलनाथ मुख्यमंत्री रहते हैं, तो माहौल तो ख़राब हो ही गया था भाई। अब जितने लोग जो उम्मीद लगाए बैठे थे, क्योंकि जिस लालच में वो गए थे
18 में नारायण त्रिपाठी को धोखा मिल गया, फिर अब करें भी तो क्या। तो अभी उन्होंने पिछले कुछ महीनों से एक नया वो पार्टी गठित कर ली है बिंद क्षेत्र निर्माण के लिए, मतलब बिंद चाहते हैं कि वो अलग से एक राज्य बनाया जाए। और इसके लिए लेकिन अभी ऑफिशियल तौर पर आधिकारिक तौर पर बीजेपी से अलग नहीं हुए थे, ये भी उतना ही सही है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि उनका जो जो सतना के सांसद हैं गणेश सिंह, उनसे उनका विवाद भी हुआ। असल में क्या था कि जो कोई एक ट्रामा सेंटर बन रहा था माँ शारदा धाम मैहर में सिविल एक अस्पताल बन रहा था, उस अस्पताल को राज्य सरकार निर्माण करा रही थी, उसका लोकार्पण होने वाला था। नारायण त्रिपाठी का कहना है कि सांसद जी ने फोन कर दिया और लोकार्पण रुक गया, ये आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने सांसद जी को धमकी दी, सांसद मतलब गणेश सिंह को धमकी दी मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी ने, यह भी 4-5 महीने पहले की बात है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मैहर वासियों के साथ धोखा किया है, नारायण त्रिपाठी को हमारे लोग मतलब नारायण त्रिपाठी को लोग गणेश सिंह सांसद को जो सतना से जो सांसद हैं उनको मैहर में घुसने नहीं देंगे। अब ये बात बकायदा पोस्ट वोस्ट लिखते हैं, शायद वीडियो वीडियो भी बना देते हैं। इसके बाद अब सतना सांसद गणेश सिंह का भी जवाब आ जाता है, वे कहते हैं भैया 3 दिन मैं वहाँ दौरे पर रहूँगा, और ज़बरदस्त तरीके से पूरा क्लैसेस बढ़ने लगते हैं। फिर वो धमकी देते हैं कि आप मेरी वजह से सांसद बने हैं, वो धमकी देते हैं गणेश सिंह जो सांसद हैं, वो धमकी देते हैं आप मेरी वजह से विधायक बने हैं। तो यही सब पूरा नाटक चल रहा था उनके साथ में। तो कुल मिला के ये है कि अब नारायण त्रिपाठी की स्थिति ये हो गई है, ना वो कांग्रेस में है ना बीजेपी में है, वो अलग से झंडा अपना उठाए हुए हैं और अब कोई चांस भी नहीं है, क्योंकि उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से बीजेपी ने उनका टिकट काटा हुआ है। एक और विधानसभा है नागदा विधानसभा, वहाँ पर बीजेपी ने डॉक्टर तेज बहादुर सिंह को टिकट दिया है। उनके टिकट देने के बाद लगभग वहाँ के ही जो क्षेत्रीय जो छत्रप होते हैं, एक दूसरे नेता हैं लोकेंद्र मेहता, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अब हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, और उनके समर्थन में लगभग 16 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। ये सारे के सारे बीजेपी पार्षद हैं। ये जो विधानसभा है उज्जैन जो जिला है उसी के अंतर्गत आती है। तो ये सब सारी चीज़ें मतलब चल रही हैं बीजेपी के अंदर। अब कांग्रेस में क्या हो रहा है, कांग्रेस में इस वक्त जो अभी जो पार्टी का जो स्क्रीनिंग कमेटी है उनकी जो बैठक हुई है उसमें बताया जा रहा है, जो मोटा मोटा जो आ रहा है समझ में, कि जितने बड़े दिग्गज हैं सभी लोग चुनाव लड़ेंगे। बड़े दिग्गज में से अरुण सिंह, अजय सिंह, सुरेश पचौरी, डॉक्टर गोविंद सिंह, कमलेश्वर पटेल, सिर्फ 2 लोग कमलनाथ भी चुनाव मैदान में उतरेंगे, शायद छिंदवाड़ा विधानसभा से। पहले ये चर्चा आ रही थी शायद उनकी जो बहू हैं वो चुनाव लड़ेंगी वहाँ से, क्योंकि इस बीच में काफ़ी वो एक्टिव हो गई थी उधर। लेकिन जिस तरह बीजेपी अपने मुख्य उम्मीदवारों को जो उनके नेता हैं आमतौर पर जितने भी अभी सांसद थे, तो पता लगा ये ज़्यादातर लोग अपने भाई के लिए कोई अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहा था, तो बीजेपी ने क्या किया उन सभी लोगों को उतार दिया, मतलब उनके किसी फैमिली को टिकट नहीं दिया, उन्हीं को ही चुनाव मैदान में उतार दिया है। जिसमें कैलाश विजयवर्गीय ने तो खुलकर बोला ही कि अब इतने बड़े नेता हो गए हैं कहाँ कहाँ हाथ जोड़ें भाई, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कांग्रेस में भी अगर देखा जाए तो कमोबेश यही स्थिति होने वाली है, क्योंकि अभी की पूरी जो रणनीति ही पूरी तरह से कांग्रेस ने अपनी बदली है। वो भी हो सकता है शायद फैमिलीज को किसी को टिकट वो ना दें, एक ही लोगों को टिकट दें, और जितने भी उनके जो बड़े नेता हैं वो सारे चुनाव लड़ेंगे ही। 2 लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और विवेक तन्खा, ये 2 लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, बाकी सभी लोग चुनाव लड़ेंगे। और ये भी बात हो रही है कि लगभग 30% टिकट काटे जाएंगे। अब यहाँ पर भी लगभग पूरा बवाल होने वाला है। बवाल इसलिए भी होने वाला है क्योंकि पिछली बार अगर आप अलग अलग रीजन वाइज देखें
तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद बहुत सारा जो कांग्रेस के लोग थे कि अब जो है हमको मौका मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो कांग्रेस के जो विधायक थे वो चले गए थे बीजेपी में। तो अब जो दूसरी लीडरशिप थी जो उभर नहीं रही थी सिंधिया की, क्योंकि ज़्यादातर जो निर्णय था उस पूरे ग्वालियर चंबल बेल्ट में सिंधिया ही लेते थे, तो अब उनके लिए एक मौका था। लेकिन जिस तरह ये बात सामने आ रही है कि 30% टिकट काटे जाएंगे, अब उनके लिए भी मुश्किल हो सकता है। तो जिस तरह का जो बगावत बीजेपी में बीजेपी मध्य प्रदेश में फेस कर रही है, उसी तरह की बगावत कांग्रेस में भी होगी। और अब लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ये बगावत किस स्तर पे है, क्योंकि भाई कर्नाटक में भी हुआ और हिमाचल में भी हुआ था, लेकिन अब जनता का मिजाज जब जैसे कांग्रेस के फेवर में रहेगा तो जाहिर सी बात है बीजेपी में बगावत ज़्यादा होगी, अगर बीजेपी के फेवर में होगा तो कांग्रेस में बगावत होगी। तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, लेकिन अभी जो मोटा मोटा आ रहा है तो कांग्रेस में बगावत होनी तय है, वहाँ बवाल होना तय है। आप देख रहे थे TV11 भारत, मेरा नाम शैलेंद्र है, और अगर आप इस पूरे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हो तो फॉलो का बटन है, लाइक का बटन है, वो दबा दीजिए। शुक्रिया।